जीत सकता कोई ना गुनाहगार बनके, बन सकता सिकंदर ना अंबेडकर का अधीन, और बनेगा वतन का फरिश्ता नहीं, जिसके उर में है अंगार नफरत की आधी, करके आतंक उन्माद जग में दरिंदे, तुम महफूज कैसे रहेगा वतन में, कहना है जब रहम करो इंदाद यमयल, तेरी खुशबू झिंगुर पहलवान सही बात है, अगर चार देना तो दुसाला ना बल्कि एक साला यार सही साला था तो खराब हो गल। बड़ा नीक बात बतौल, कौनो गैल गणेश जी के मंदिर में कलश की महाराज तो के हम 5 किलो लड्डू चढ़ाई, एगो हमके स्कॉर्पियो दिया देता, गणेश जी कहले की करे बेकूफ कहीं कह, तय हमारी की नहीं लही स्कॉर्पियो बदे 5 किलो लड्डू लेके, अरे हमारे पले ये सामर्थ रह तो हम मुंह से पचड़ी, हमारे पले ये सामर्थ रह तो हम मुंह से पचड़ी, हम ना बढ़िया गाड़ी पचड़ी, अरे जो कोनो एजेंसी में पैसा कमो लड्डुआ ले जो बहादुर हमें लोगों, हाँ ये दिमाग चाटेला, क्या बात है। मैंने बताया साथियों, हिंदुस्तान के इतिहास के बीच में, हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक अध्याय अलग से जोड़ा जाएगा, आखिरकार का एक लाइन संकेत है और चांद पुतली साहब की पहचान का लाइन है। बिरहा गोली जोने का शीर्षक रखली फौजी की जिंदगी, असम राइफल से गोरखा रेजिमेंट से हर जगह से बधाई लोग भेजल, कितना अनमोल लाइन है जन लिखल गई आप सबके लिए, हरे लड़े भूमि चंद्रिका गुरु लिखले रहले, सावनी गुजर जाने पर जल की कदर होती है, आदमी चला जाता है पर कीर्ति अमर होती है, यही जन से बिरहा की स्टोरी का शुभारंभ आया है अजौहरी शहर लगल। Yeah!
सही है, का सही है, यही का नाम है बीरस। अरे सब बुझ गल, खाली एक चीज लोग ना बुझ बोले, सच्चाई है तो उनसे खरमास मत हुआ कि मलमास मत हुआ, कुर्तवा मत फरासो भैया के बैठा ला, भैया के बैठा ला, सच्चाई है हमार पुरनिया बताओ ना कि बेटा माघ का लड़का बाघ होले, सावन वाला शौकीन होले, फागुन वाला रंगीन होले, खरमास वाला खर होले, मलमास वाला तनी लिबलिबाय होले। ई मलमास में कह तौगर मर्द हुए, तौगर हुए, तौगर हुए लड़का खोजा जात हुए, बैठा तौगर हुए लड़का खोजा जात हुए, बैठा भैया लड़का खोजा जात हुए, बैठा बैठा बहादुर हुआ तू, बहादुर हुए तू, झूठा ही परेशान हुए मर्दे, हम बताओ थे वास्तव में सच्चाई कहा तय, झूठा ही परेशान हुए। अरे मलमास महीना सबसे कठोर महीना होला, 12 महीना में छांट छांट के बनेला, तू आउट या थोड़ो हुआ मर्दवा, तू तो अंदर आ फे दे अनन्या फे में अनन्या मारा सर फेकई बा दू कोच गल्ला का करवाओ कर दिमाग में बेफजूल आ गई, बेफजूल पैसा पजेला, पैसा ले लियम की उमेश गायक नाग नार हरैया 101 रे पुरस्कार पूरे पारी सहित प्रणाम करते हैं। बतौली की जब भी आईला कुछ नई चीज आपके बीच में देवे के कोशिश करीला, ये 5 रुपया पुरस्कार एक पुरनिया के हाथ से प्रणाम करते हैं, आप सबके प्रणाम करते ही। हाई देखे कश्मीर सीमा सरहद के इस पार या उस पार, देखे पहाड़ी है जंगल है झाड़ी है गांव भी है घर भी है खेती भी होती है, हम हिंदुस्तान वाले अपने सरहद के अंदर करते हैं, हमारे पड़ोसी भाई पाकिस्तान वाले अपने सरहद के अंदर करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो सरबजीत हल जुआठ लेकर के गया था। जरा सा गौर करेंगे साथियों, मनिंदर साथी मिले मनिंदर कल की आवा दुद्दू घोट मार ले जाए एक पाकिट ले ले हैं। आ दुद्दू घोट मारे में मनिंदर कला की हम बाजार जाते ही आ जा तू बैल उन्होंने लियावा, बैल लियावे के नाम पर आवे के हिंदुस्तान में चल गए पाकिस्तान में, 9 किलोमीटर की दूरी पर गए पकड़ लिए गए, बताते रह गए कि हम किसान हैं, हम भारतीय किसान हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम आपके भाई हैं, लाख कुछ बताने के बाद आखिरकार हमारा पड़ोसी भाई भाई की लाश भेजा, वही पहाड़ी की बात है। आए हैं हमीरपुर गांव के रहने वाले मुखिया जाहिद, जिनके पास 7 बेटी एक नान सा बच्चा है, और जाहिद को उस पार से उग्रवादी चिट्ठी लिख करके भेजते हैं, अरे ओ मुसलमान, अरे ओ मुखिया दे दो अपने 7 बेटियों को, हम इनसे विजिलेंस करवाएंगे। और सुना यार पैसा चाहिए तुम्हें तो हमारी इस्लामियत कबूल कर ले, मालूम माल कर देंगे जाहिद, मालूम माल कर देंगे, लेकिन बाहर हिंदुस्तान का मुसलमान आज जात बात के नाम पर बांटा जाता है, हिंदुस्तान का मुसलमान चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से देता है, ई का लिखला दर्ज लगल कि तुहरे गौवा वाले गोरी आप, अरे जब जवान होई कि सयान होई हमरे गौवा वाले लइका से मिलान हो, चिट्ठी में लिखल है का कि 65 71 का बदला हरे चुकावल चाहेलन
कि चुकावल चाहे लो हमरे देसवा में लगिया लगावल चाहे लो भैया हमरे अनिल मिस्त्री नाग नार हरैया बहुत बढ़िया आप ढोलक बनावल बहुत बढ़िया ढोलक बनाते हैं कोई कलाकार बाकी ना है और सारी व्यवस्था सोफा से लेकर के कुर्सी मेज से लेकर के अलमारी से लेकर के कौनो कलाकार बाकी ना हो लेकिन नंदलाल खाली बाकी हूँ वादा बहुत होता वादा तो हमारे भाई राम जन्म भी कल की भैया हम जंगली है अब तो के ढोलक कमी हुई हम विजय सार दे विजय सार तब का बुझले है कि रन्नू सार नहीं हो नहीं भैया तरफ से देखे आप अनिल मिस्त्री स्नेह भरा हार 100 रुपए पुरस्कार पूरे पार्टी सहित आप सब लोगों को प्रणाम करते हैं इसलिए कि नंदलाल रवि से यहाँ छोट कोई होबे न करे चिट्ठी के जवाब देलन भूल गए उस दिन को अब्दुल हमीद को भूल गए अरे पाकिस्तानी सेना अजय बैठे टंग लेकर के रोते हुए सीमा सरहद को हिंदुस्तान में प्रवेश कर रही थी हाथ में हथगोला लेकर के मंसूबे पर पानी फेर दिया हम उस भारत के जाबाज हैं हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं सबसे पहले हमारी राष्ट्रीयता हिंदुस्तानी भारतीय है अरे हम भारतीय हैं चिट्ठी तो भेज दिल इतने ना बात हर योजना बनाए सब मिलके पाकिस्तानियाम अब बिजनेस करावा लाके सातो बेटी ही नियाम कि खिलल फूलावा में काटावाम चुभावल चाहेलम कि चुभावल चाहेलम हमरे देशवा में लगिया लगावल चाहेलम चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से देलन 10 दिन तक शांति 11वां दिने भैया हो बाबूजी एक ठे गजब हो खै जाता सवेरे सवेरे का टाइम है आ गजब का भेल आ गोदिया में ले के सुगनान हो दूध पियावत रहनी माँ आई गईले पापी दुश्मना आनू हो पपिया बनल कसा 11 उग्रवादी हथियार लैस किसी के हाथ में राइफल है किसी के हाथ में बंदूक है लमजी है एसलार है किसी के हाथ में नंगी तलवार है दरवाजे पे आ गए आय है छीनी लेले गोदिया से माई के दुलार हो काटे असतनवा ये गोले के कटार हो खुनवा में भी जला तमनावान हो मैया की तड़पर कभी ब्रिटिश जमाने में आप सुना करते थे बच्चों को छीन करके लुकाया जाता था बूटों से मसला जाता था आजादी मिलने के बाद बंटवारा हो गलो करे बाद आज आज 2014 में यह हालात है गौ से बच्चे को छीन लिया गया और जिस स्तन को मां खोल करके पिला रही थी देखे उस स्तन को काट दिया गया स्तन को काट दिया गया जमीन पर स्तन गिर जाता है माँ तमीना लहूलुहान हो जाती है सातों बच्चियां आ गई चचा दादा भैया अरे जात बिरादरी पर लोग मरत हो आप मुसलमान हो के मुसलमान के ऊपर जुर्म उठावत हुआ लो 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 तुम्हारे अम्मी जान को छोड़ देते हैं आए हैं बगल में खड़े हैं तमाशा देख रहे हैं अवाक होकर के हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आवाज दे करके लोगों को बुलावे पहाड़ी में झाड़ी में दो घर यहाँ है दो घर वहां है चार घर वहां है ऐसे लोग हैं लेकिन जब अब्बू जान के पास गए एक तर्ज लगल कैले का
251 पुरस्कार। भैया कमरे का नाम हो कि सांसद जी के यहाँ दोनों पार्टी को चाय पी करके जाना है। चाय पिएंगे लेकिन जब सांसद जी वापस आ जाएंगे तब, क्योंकि सामने से बधाई देना उसका आनंद कुछ और होता है। एक भाई को बधाई देने, भाई पहुंचेगा लेकिन नामौजूदगी में मजा नहीं आता। हमारे भाई बतोनो सच्चाई है कहिला ना लेकिन कह के देखाइला। आप तब वही हैं, उनसे पूछवा लोन कि नंदलाल भी कुछ संकेत कैले कहां तक सही है कहां तक गलत है, तब आप सबके प्रणाम करते हैं। लेकिन बात वही कह अरे कुछ आज खाला, अरे कुछ आज खाला, अब कुछ काल लाला इतमाल बाहर छपरा सिवाना ना दिल से ना वास्तव में प्यार देला भाई है दुलारीला अब वही लड़ाईला पटकीला ना यह स्नेह अब वही दाव बताईला। आ लड़का हूं चमक चमक होखे की चाहिए लेकिन भैया को चमका होता कहीं भौजी के भेंट आ गईला तब का करवा यही बात का थोड़ा संदेह होला। हे जैन का होता हरे जाके मुखिया के पकड़न हा बेईमान पपिया कि बेईमान पपिया हो बांधे उल्टी मुसुकिया के ताम पागल हो गया है तुम्हें रुपया काट रही है। अरे रुपया पर लोग बिक रहे हैं, एक बार मेरी बात मान ले और जिंदगी भर आजाद रहेगा। बस केवल इतना मान ले मुसलमान है लेकिन हमारी इस्लामियत कबूल कर ले। तलवार लगल है गर्दना पर, एक मिला राइफल लगौले है लेकिन बाहर दिलेरी ये माटी के असली मुसलमान आन मानना गवा वाला अरे कार कपूत अपन पनिए लुटा वाला है कार कपूत अपन अरे बेटा बेटी से बढ़ी के हिंदुस्तान पपिया हो बांधे उल्टी मुसुकिया के तान पपिया। तलवार दिखा रहे हो, राइफल रिवॉल्वर दिखा रहे हो, अबे मेरी बीबी न रहे एक अस्तन काट करके मुझे धमकी दे रहे हो, मेरी सातों बच्चियां न रहे मेरा मासूम मुन्ना न रहे, हजार बोटी कर दो लेकिन एक भी बोटी के अंदर एक जरूरत नहीं आएगी हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह दे। कहेगी कहेगी तो जरूर कहेगी हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान भी जिंदाबाद। ये नहीं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, तुम्हारी नियत भले बदल जाए लेकिन तू मेरे में से निकल के गया है। अरे तू बच्चा है हिंदुस्तान बाप है और तू हिंदुस्तान के मुसलमान को धमकी दे रहा है। इतना ना एगो बात याऊर कह ले अरे पानी न पानी वाला कजाई पानी न पानी वाला के जाई मान सम्मान के ऊपर भले होई कुर्बानी। तेरे दहशतगर्दी से मुझे कम नहीं है, अरे तेरे पानी से मेरा पानी कम नहीं है। हम झुक नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते तेरे दहशतगर्द उन्मादों से। हमको झुका दे किसी के बाजुए में दम नहीं है। यह तो जहर हो गया। आदमी बतावला कि बुद्धिमानी उमैन के अगर घेर गल तो बुद्धिमानी से निकल गल लेकिन मर्द का मर्दानगी ललकारत ही है। आए हाय मिट जाएंगे लेकिन तुम्हारे सामने अपनी जुबान नहीं बदल सकते।
यह जहर हो गल हो भैया। प्रधान पुत्र अखिलेश भैया हमार ये ग्राम पंचायत मरौटिया से ये 201 रुपया पुरस्कार प्रधान जी को भी प्रणाम करते हैं, भाई को भी नमस्कार करते हैं। पहलवा बतौले कि नंदलाल लबी सिंह छोट कोई होबे न करे। इहे जहर हो गल कैले का इतना सुनता धाईले मुखिया की पपिया देहला जमीन पर गिराई राम छुड़िया से काट लगल मुखिया के मुड़िया झोलवा में रखल छिपाई राम हसी भेड़ा के तरफ भैया हो हलाल कर दे मूड़ी झोला में रखे सब इतने ना 365 टुकड़ा में अतनवा के कही दे मसिया के फेंकल घूमाई नीरा मोटी छोटी छोटी टुकड़ी 365 की है। आचार संहिता लागू होने से पहले गौर करेंगे। ये घटना प्रकाश में आती है। कैसी घटना है मेरे दोस्त, एक एक टुकड़ी उठा करके फेंक रहे हैं। आज जब फेंक रहे हंस रहे हैं, अबे साला एक भी बोटी नहीं बोल रही है। तू तो कह रहा था कि जो भी बोटी बोलेगी हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो कुछ भी नहीं बोल रही है। आज जब 365 टुकड़ा फेंक दे साथे में लिया के गई ले अरे सातो रे बहिनी अनकी आगे पीछे कोई ना देखाई नीरा गाय के तरह बछिया के तरह हकल हो भैया। माई वही सामने खड़ा हो के देखत है, हिम्मत ना सातु बच्ची दरवाजे से चल देती है। और करेंगे अजनस में बचियन के लेके चल देलन ओ समय का हालात का बा। आ गोरखपुर सहारिया में हर पिकल हो सरंगिया देवर मोरा जोगी मंगाईदा सरंगी हो मंगाईदा रंगदार तोहर मोरा जोगी भैया ये 501 रुपए पुरस्कार शेरदिल भाई छोटे लाल सांसद के आप भाई पूरे पारी सहित भैया को हम प्रणाम करते हैं, आप सबका सम्मान करते हैं। बधाई उनको नहीं बल्कि सबसे पहले तो बधाई आपको देते हैं। आपने ये कलाकार को कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया। भगवान तो आप हैं, भगवान ही आप हैं। आज नंदलाल लबी बिरहा जगत में ग्रेडेशन आप शास्त्री है। दो बार जिला पंचायत चुनाव जीत करके पत्नी को अपने गांव नरबाड़ी का मेंबर अगर बना डिस्ट्रिक्ट में तो सबसे पहले यही बेटा आपका है, भतीजा है। निर्विरोध 56 मेंबरों में चुना गया, जहां की मुख्य विकास अधिकारी बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, विधायक बैठते हैं, जिले के कार्यकारी जिले के तमाम आला अफसर बैठते हैं। उस बीच में आपका बेटा निर्विरोध चुना गया। सबसे पहले बधाई देने का काम आपने किया है। कैसे हम धन्यवाद करें, कैसे साधुवाद करें, नंदलाल लबी के पास कोई शब्द नहीं बनता है।
पूरे पारी से भैया को प्रणाम करते हैं और आपके सम्मान में हम चाहेंगे कि जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दें। ढोलक वादक रामबचन राम ग्राम ललतापुर नौगढ़ चंदौली की माटी से 50 पुरस्कार बड़े भाई को प्रणाम करते हैं, आप सब लोग प्रणाम करते हैं। लेकिन बात तो एक है, एजाइल का होता छाती पीटा रोवत बारी, छाती पीटा रोवत बारी, हरे या बला या बरतिया के ही मोर बदला हो ले बरतिया के ही बला या बरतिया बाबू मोर या बही बाना दान के ही मोर बदला हो ले बाबू मोर अबही बाना दान बाबू मोर अबही कुछ ख्याल पर गलो भैया भैया ए बड़का भैया हेलो कुछ ख्याल पर गल अच्छा अच्छा ठीक कह ले ई न बंदूक है भैया भगवान न करे कि केहू के आगे के पीछे के बंदूक है एकर परमिशन हमेशा है लेकिन मर्द हुआ जब पत्थर के ऊपर खेलेला बर्फ के ऊपर खेलेला तो एके रोकल थोड़ी सब कौन बड़ी बात है हे जैन का भैल 3 दिन बीत गल एरिया इलाके के लोगों को जब पता चला तो भारी भीड़ जुट गई लोगों ने हकीकत को जाना लेकिन बाहर दहशत किसी में हिम्मत नहीं कि अपने प्रशासन में अपने थाने में सूचना दे दे अपने प्रशासन के लोगों को सूचना दे दे आखिरकार कहां से भनक लग गई वर्दी के जाबा जवानों को भाई का अरे हिंदू का त्योहार रक्षा बंधन वाला दीनवान आते ही पीछे घूमत नहीं ना फौजी जवान दबा के इस शरीर में गनगनाहट ठोके की चाहिए गौर करेंगे बाहर नौजवान पता चल गया कि पहाड़ी के उस पार कोई अनहोनी घटना घट गई देखें गश्त में निकले हाजम निकलते हैं संजोग से घूमते घूमते आज जब उस दरवाजे पर पहुंचे आज जब दरवाजे पर पहुंचे मेरे दोस्त आए हाय जब पता चला कि हमारे दरवाजे पर कुछ जवान आए हैं बाहर निकलती है अपने बच्चे को दबाई है झरझर झरझर रो रही है जवान बोले बहन क्या बात है क्यों रो रही है लेकिन कुछ हो ना हो भैया बोल बहन एक कैसी गंध आ रही है जो मांस की टुकड़ी को बिलार सियार कुत्ता खा गए ये तो खा गए लेकिन कोनो कोनो झाड़ी में बा कहीं कोनो ईटा ये माटी में दबाइल बा जिसको पाए नहीं है वो मांस की टुकड़ी सड़ रही है और उसकी बूंद जब जवानों को आती है तो बोले बहन क्या बात है बहन आ तबले बहनिया रोवत रोवत आ एक जवान के हाथ में फार के अपन सलवार बांध देलिन उनके समझ में कुछ दूसरे आइल आ तबले तो इलाका के लोग जब पता चला जवान आए हैं इकट्ठा हो गए लेकिन सब लोग ताक रहे हैं सबकी पलक भीजी है मेरे दास आज भी जुबान खोलने से लोग आए हैं अपने आप को बच रहे हैं ये लोग चले जाएंगे हमारी दशा क्या होगी लेकिन जवानों को बर्दाश्त नहीं हुआ लोग कहल है कि मिलिट्री वाला वर्दी वाला हाफ बोल हाफ नहीं मेरे दोस्त ये वर्दी में बहादुर एक सही 1/2 होते हैं धीरे धीरे गरम होखे लगल कहला कि रे पगली तू राखी बांध करके रो रही है शायद तुम्हें भर्म है एठे तर्ज लगल ई रामद जाके पहचान कर लाइन है
नहीं अटकाए गुजारा, अरे झूला नहीं अटकाए गुजारा, अरे टूटल राजा जवनिया में करिया छूटल और राजा को बोलना पड़ा। अरे तोरा रखिया के कर जाम, ये रखिया के कर जाम, हराई ये बहिनी तुहार प्रीतिया ना भुलाई सुन बहन, हम हिंदुस्तानी है फौजी जवान हो, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान हो, इतना बम पटकेंगे बहन, इतना बम पटकेंगे ये पहाड़ी खड्ड हो जाएगी पगली। अरे हम ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम भारतीय हैं बहन, हम फौजी हैं। और तू इस भ्रम में है कि तू मुसलमान है इसलिए नहीं कर रही है, बोल बहन बोल। आज जब ये कहना कि पहाड़ी के खड्ड बना देंगे, अब ना बर्दाश्त भलो भैया, अरे खोली असत्ता नवादे खावे बहिनिया, खोली असत्ता नवादे खावे बहिनिया, अखिया का आंसू कैसे कै भुलाई भैया अपिया के मरनवम 365 टुकड़ा में भइले बदनवम, सथवालिया के गई सातु पीतीवन के, सथवालिया के गई सातु पीतीवन के, ले बाजी में गिया बा बाप रे बाप, जब ई बात सुन ले भैया हिंदुस्तानी हुआ, हिंदुस्तानी हुआ, मत मत बोलिया भैया, ई शब्द मत बोलिया, ए भैया ई है शब्दवा तो हमरे स्वामी के 100 365 टुकड़ा में कैले, ई है न कहले हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, मत मत बोलिया लोगन, तोहनो लोग मत बोलिया, तोहनो लोगन का ई है हालात होई भैया। जवान जब ये बात सुन ले, ऐसा करो कि दुश्मन ने मेरी जान पर झाके, अरे सुरमा मैं धरती ने आबरू मान पर झाके, अगर झांकता है कमीना, अगर झांकता है कमीना तो आग चिलमन में लगा दो, उलट करके दोबारा ने पापी ने हिंदुस्तान पर झाके। अब यही जन है, हेलो काहे हल्ला ना करत हूं, लेकिन वही में हर हर मूड बना के बिरहा के टेप कैला। अब बतौली कि हर साल अगर आईला तो चाहिला कुछ नई पहचान आपके, ए बदे धन्य आप हैं नंदलाल रवि नहीं। मैंने बताया हमार कर्तव्य हमरे साथ है,
आज आपने सांसद बना के भेजा उस पार्लियामेंट में, अब छोटे लाल गवैया का कर्तव्य है कि गवैया से सांसद बन गए, समाज को, देश को, इलाके को, हर जन को कैसे सजाएंगे, बाबा साहब का सपना कैसे पूरा करेंगे। पार्टी से मतलब नहीं, एक कलाकार की अलग एक पहचान हुआ करती है। आप तो जिम्मेवारी आप दे दिले हुआ, आप माला पहना दिले हुआ, लेकिन एक जिम्मेवार व्यक्ति कैसे इस सपना को, इस कारवां को आगे लेकर के बढ़ेगा। आप कलाकार का कर्तव्य बना था, लेकिन एजाइन जब जवानी बात सुन ले, आए हाय देखे पहला फैसला हमारे जाबाज वर्दी में लोग हैं, आदेश चाहते हैं, गौर करेंगे गोलियां चलती है उधर से आती है, लगती है, गिरते जाते हैं। सेरा घाटी की पहाड़ी में, सेरा घाटी की पहाड़ी में मेजर शैतान सिंह 108 जवानों को लेकर के चीन के सेना को 72 घंटे तक रोका, 107 जवान मार दिए गए, अकेले बाबू मेजर शैतान सिंह बच गए। दौड़ के जाएं वो जैन गोली मारे, दौड़ के जाएं जैन गोली मारे, दौड़ के जाएं वो जैन गोली मारे। फिल्मी अंदाज में एगो लड़की हो भैया यही गरीब के भेड़ चरावत देखलस, दौड़ल गई कलस की भैया अकेला हुआ, उठा के गोली थमावत, कहना बहन आग लगी है, भग जा बहन भग जा, कलस कहां भगावत हुआ हो भैया, अरे डोली में चढ़ के नैहर से ससुरे जात रहली हो, नेताजी के बचाव में हमार स्वामी शहीद हो गई, आ वही जन हमार मांग धोवाई, न ससुरे के भैली न नैहर का, आय के भेड़ चरा के अपन जिंदगी जियत है, देश आजाद हो गल, लेकिन हमारी पर कोई का ख्याल ना, मेजर शैतान सिंह कल की बहन, अरे कहीं तू बिंदु गणेर तो ना नहीं रे, हाँ भैया बिंदु गणेर है, अरे तबले साइकिलों गोली हरहरा के बाबू मेजर शैतान सिंह और बिंदु बहन के छाती को चीर गई, आए है लाश बर्फ में ढक गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में घोषणा हो गई कि मेजर शैतान सिंह 108 जवानों को लेके भाग गया। तीन दिन के बाद जब बर्फ की सिली पिघलती है, लोगों ने देखा कि मेजर शैतान सिंह का अंगली टाइगर पर, बहन के हाथ में गोली का लच्छा, कोई जवान वहां, कोई जवान वहां, कोई जवान वहां, ई हो गरीबन का पहचान, ये जैनी गरीब का बेटा का कैलन। अरे लूटल चाहे, लूटल चाहे, अबरू या चाहती हमारे देशवकन, अपनी के पाकिस्तानी उग्र चाहती हमारे देशवकन, जवान वहीं से चल दिए, आपस में गुप्तगु मंत्रणा कर रहे हैं, आए हर सातों लड़कियन के साथे का होता, हर सातों बहिनियन के पापी प्रशिक्षण करवाव हम, कहां कहां पर क्या करना है, नक्सला दिखाव हम, अरे कहां कहां पर करना है बमबाजी हमारे देशवा के, आही चली समय दिखा दिए उन्माद हमारे देशवा के, पहाड़ी के पार कहीं एकांत जगह में सातों लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है, नक्शा दिखा करके उन्हें रास्ता बताया जा रहा है, कैसा रास्ता, कैसा रास्ता, सोनिया गांधी मनमोहन लालू अटल अडवाणी के, नरेंद्र मोदी मायावती, नरेंद्र मोदी मुलायम यादव मायावती भवानी के, ये घटना से बिखर गई है फौलादी भारत के सभा के, अशोक सिंह में डूब जाई आजादी भारत के सभा के, इतना बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार आपने 12 तारीख और 16 तारीख को अंतिम निर्णय लिया, ये त्योहार बीच में ही
भंग होने वाला था। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी साहब, वाजपेयी साहब, माननीय नरेंद्र मोदी साहब उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रहे सपा सुप्रीमो, माननीय मुलायम सिंह यादव, बहुजन समाज पार्टी के आप सुश्री बहन मायावती, ये जनाधार के नेता है हिंदुस्तान में। अगर सपा का नेता मारा जाएगा तो बसपा के लोगों पर अंगुली उठेगी, बसपा का नेता अगर मारा जाएगा तो सपा के लोगों पर अंगुली उठेगी, भाजपा का अगर नेता मारा जाएगा तो कांग्रेस पर अंगुली उठेगी, कांग्रेस का कोई नेता मारा जाएगा भाजपा पर अंगुली उठेगी। हिंदुस्तान का संविधान, इनकी एकता, इनकी अखंडता हम छिन्न भिन्न कर देंगे चुनाव से पहले, घर करेंगे। ये मंत्रणा, ये सोच पाकिस्तान के उग्रवादियों की, और ये जान करके उन लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जाबाज वर्दी के जवानों ने एक ख्याल किया, ओसामा बिन लादेन को 13 मिनट में मारा गया, क्या किसी से आदेश लिया गया था? धार करेंगे हम, इतना दिन तक आदेश लेते हैं, हमारे छाती में गोली लगती है, हम गिरते जाते हैं, आदेश 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 नहीं मिलता है, हमारी सेना मार दी जाती है, धार करेंगे। आखिरकार जवान आपस में फैसला लिए क्या? यही बेसवा में भम सुभाष या अंबेडकर, एक दिए खून एक दिए संविधान, राणा शिवशेखर उस बात को याद कर रहे हैं, उस इतिहास को दोहरा रहे हैं, हमारे ही विधानसभा जखनिया के रहने वाले वीर अब्दुल हमीद सिंह, अरे वीर अब्दुल हमीद, आखिरकार अजय पॉइंट टैंक को तोड़ करके पाकिस्तान को दहला दिया, उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। मऊ जनपद के रहने वाले ब्रिगेडियर उस्मान साहब गौर करेंगे, ये भी तो मुसलमान थे, यह भी मुसलमान थे। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, संविधान में ये कहा है किसी भी पार्टी से लोग होकर के जाते हैं, वहां जाने के बाद उस तिरंगा झंडा को फहरा करके उसके सामने शपथ लेते हैं, घर करेंगे। यहाँ चाहे जितना झंडा ले ला, लेकिन ओजैन सबसे ऊपर अगर दिखाला तो अपन तिरंगा झंडा दिखाला, वहां संविधान जब हाथे में आवाला एक बार नमन करके तब देश के ऊपर नजर पड़ती है। ए जैन जवान का कहले कि खोजला शिकारी बन के झाड़ी में जवानावा, अरे कहिना बहिनिया का चरत बफेकाल गुप्तचर विभाग तीन ढेले बा खबरिया, अरे बहिनी सतीना से मिलन धरमान खाली कम कोई दरिया में, खाली कम कोई दरिया में, अरे धुआं से गिर गल पूरा हिंदुस्तान के कमांडो फोर्स के जवानों ने आखिरकार पता लगा लिया, एकाएक अटैक करते हैं, 11 उग्रवादियों को हलाक किए जिसमें अब्दुल सत्तार 20 लाख का इनामी मारा गया, एरिया कमांडर 20 लाख का इनामी, आए हाय 11 को तो हलाक किए, 7 बहनों को महफूज बचा लिया गया। अब बचाने के बाद अब जाकर के पता चला है, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग जाने, बिहार मध्य प्रदेश के लोग जाने, झारखंड महाराष्ट्र के लोग जाने,
गुजरात बंगाल दिल्ली के लोग जाने, आज जब लोगों ने जाना तो जाबाज जवानों ने एक बात और सरकार के सामने, उन नेताओं के सामने, ये वर्दीधारी उन खद्दरधारियों के सामने एक बात और कहा। क्या कहा? अरे भारत महान, जगत गुरु, भारत जगत गुरु, विश्व गुरु, हर देश का नाम एक दो नाम है तो भारत को पांच नामों से नवाजा जाता है। अपने जवानों ने संकेत दिया, अरे भारत है महान, आप कोई के झुका वाले ना झुकिम कि केतना कर पाया प्याचार कश्मीर ना मिली। पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा क्षमता तो हमारे देश के सैन्य बलों की है। यही पर तो कहले हरे पीरवन के राखी बांधन अब सातरे पहिनिया अध्यला गृह हम मंत्री जाके जम्मू में जमिनिया। कलाकार भी एक बात जरूर उनसे कहता है, अपमान करके आज तक इस धरती पर कोई सम्मान पाया नहीं। अरे पाकिस्तान तू तो अपना भाई है, तू तो सगा भाई है, अपमान करके जब सम्मान नहीं मिलता है तो आखिरकार तू ऐसा सोच क्यों बनाए हो। हरे भाई पापापुर तकबो यामना फलिम कि केतनो कर पाया अत्याचार कश्मीर नामी। माफिया होगा, गुंडा होगा, बदमाश होगा, डकैत होगा, कातिल होगा, किसी की हत्या करके जेल में जाएगा, जेल में भी लोग मिलने जाते हैं, जेल से जब छूट करके बाहर आता है तो भी ये जनता सलाम करती है, लेकिन जब सामने से आगे बढ़ते हैं तो यही जनता कहती है कि भैया बहुत बढ़िया आदमी ना। सम्मान करके सम्मान पाएंगे, अपमान करके न सम्मान मिला है न मिलेगा। अगर ये होता तो बाबा साहब ने पत्थरों की मार खाया, कंकड़ों की मार खाया, लाख यातनाएं सह करके भी हर लोगों को जोड़ने का काम किया, भाईचारा बनाने का काम किया, असमानता में समानता लाने का काम किया, विषमता में समता लाने का काम किया, गैर बराबरी में बराबरी लाने का काम किया। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ दास्तान, विमल चंद्रिका कवि केशव बच्चन से प्रेम, अरे पानी न पानी वाला कजाइन राम निवास नंदलाली भूली नहीं कुर्बानी, पानी न पानी वाला।